अच्छा, ये जहेज वो चीज है जिसकी वजह से मैंने पहले भी इशारा किया है कि हमारी बहनें मुर्तद होने को तैयार हैं। कितनी लड़कियों को हम जानते हैं 30 साल की उम्र हो गई है, 32 साल की, शादी का भी कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें मौका मिलता है फिर वो किसी और के साथ फरार हो जाती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो फिर किस धर्म से ताल्लुक रखता है, इसलिए कि इंसान की वो हवस ऐसी होती है कि शैतान जहन पे हावी हो जाता है, फिर वो सोचने का मौका नहीं देता है। शादी में ताखिर ये हमारे समाज में फैली हुई रस्मों का नतीजा है। आप शादी करना चाहते हैं, जब तक आपके पास 4 लाख 3 लाख 5 लाख ना हो जाए, जब तक आप यहाँ उलमा को देखें न इस मौजू पर कोई बोलना चाहता है, न इस मौजू पर कोई सुनना ही चाहता है। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि जरा जहेज और बारात के ऊपर बोल देना, इसलिए कि बोलने वाला ना तो उस पर बोलना चाहता है क्योंकि वो खुद लेता है, और सुनने वाला उस पर सुनना नहीं चाहता है क्योंकि वो खुद वही काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम हम करते हैं उसी को सुनना हम पसंद करते हैं। अब जैसे आप अगर बड़े पक्के अहले हदीस हैं तो आपको रफाए दैन की हदीसें बड़ी अच्छी लगती है कि मौलाना साहब बोल रहा हदीस कैसे कैसे बताइए, जरा एक आदमी से बात करनी है, कुछ कोई क्लिप व्लिप दे दो, ले जाकर सुनाएंगे उसको, सिने पे हाथ बांधने की, पैर मिलाकर खड़े होने की, जोर से आमीन कहने की, यानी आप अगर उन सारी हदीसों पर अमल करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी लगती है सुन करके, हाँ, और आप उस पर डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन सामने वाला जो उस पर अमल नहीं करता है वो उन हदीसों को सुनना पसंद नहीं करता, नहीं करता है, इसलिए कि उसका अमल उसके खिलाफ है। तो अगर वो किसी हदीस को सुनना ना पसंद करता है क्योंकि उस पर अमल नहीं करता है, तो हम भी तो कुछ हदीसों को सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि उस पर हमारा अमल नहीं हो रहा है। और वो हदीसें हैं जहेज के मुतालिक, वो बारात के मुतालिक, वो सारी हदीसें जो इन सारी चीज़ों की तरदीद करती हैं, हम ना उसको सुनना चाहते हैं ना उस पर हम बोलना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, सही मुस्लिम के हदीस उठाओ, من راى منكم منكرا فليغيره بيده। ऐ मुसलमानों, तुम में से जो कोई किसी मुनकर काम को देखे, किसी गलत काम को होता हुआ देखे, فليغيره بيده, तो उस आदमी को उस काम को अपने हाथ से रोक देना चाहिए। فإن لم يستطع فبلسانه, अगर उसे हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो कम से कम अपनी जबान से उसको बुरा कहा करे, जबान से रोक दिया करे। अगर जबान से भी रोकने की ताकत ना हो फबिकल्बी, तो उस काम को कम से कम अपने दिल में बुरा जाना करे। वज़ालिका अज़ाबुल ईमान, और ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। यानी इस हदीस के मुताबिक ईमान के 3 दर्जे हुए, किसी काम को अपने हाथ से रोकना है सबसे पहला दर्जा है, हाथ से रोकने की ताकत नहीं जबान से रोकना ये दूसरा दर्जा है, और जबान से भी अगर रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम उस चीज को अपने दिल से बुरा जाने, ये सबसे छोटा दर्जा ईमान का है। और दिल में बुरा जानने का माना क्या है, इसका मतलब क्या होता है? दिल में बुरा जानने का मतलब ये होता है कि उस काम को कम से कम आप खुद ना किया करें, तब माना जाएगा कि हाँ आप उस काम को अपने दिल में बुरा जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मालूम है जहेज लेना गलत है, मुनकर काम है तो आप ना लें, ये है दिल में बुरा जानना। बारात जाना गलत है, आप ना जाएं, ये है दिल में बुरा जानना। आप कहें नहीं, दिल में बुरा तो जानता हूँ, बस ऐसे ही चला जाता हूँ। तो कोई आदमी कहे कि नहीं, मैं शराब को बुरा तो जानता हूँ लेकिन बस ऐसे ही पी लेता हूँ, मैं जानता हूँ दिल से कि चोरी अच्छी चीज़ नहीं लेकिन बस कभी कभी ऐसे कर लेता हूँ, तो आपकी मिसाल और उसकी मिसाल तो सेम हो जाती है। लिहाजा अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप दिल में बुरा नहीं जानते, और अगर दिल में बुरा नहीं जानते हैं तो आपके अंदर वो ईमान का जो छोटा दर्जा होना चाहिए था वो भी मौजूद नहीं है, फिर हम खैर मनाए अपने ईमान की। एक मौलवी को मैंने बहस करते हुए देखा गुजरात के अंदर, एक जगह में था, रमजान का महीना था, वापी एक जगह गुजरात के अंदर, तो वो आकर के जहेज के बारे में लोगों से डिस्कस कर रहा था और गुमराह कर रहा था। उसने कहा कि जहेज ले सकते हैं, जहेज लेना जायज है। उसने दलील किया था, मालूम है, दलील दे रहा था कि देखो अल्लाह के रसूल ने अपनी एक बेटी को जहेज दिया था, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को। क्या दिया था?
वो कुछ मशकीजा और चटाई और तकिया वगैरह, ये एक आध दो चीज। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ने देखो जहेज दिया था। अच्छा, अल्लाह के रसूल की टोटल कितनी बेटियां थी? चार, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलथुम, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमईन। अगर अल्लाह के रसूल ने एक बेटी को जहेज दिया तो क्या तीन को महरूम रखा? क्या नऊज़ बिल्लाह तुम ये कहना चाहते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इंसाफी की है अपनी बेटियों के साथ? अच्छा, फिर क्यों दिया था? इसका भी तो जवाब चाहिए। इसका जवाब ये है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी जिनसे होती है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो अल्लाह के रसूल के चचा जात भाई हैं, अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, अबू तालिब के बेटे, और बचपन ही से उनकी देख रेख की जिम्मेदारी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले थी। आप उनकी देख रेख पहले से भी क्या करते थे? जब शादी का टाइम आया, इतना इंतजाम उनके पास नहीं था कि अपनी बीवी के लिए चीज़ों को मुहैया कर सकते, लिहाजा गार्जियन होने की हैसियत से अल्लाह के रसूल ने उनको वो चीज़ें दे दी थी। और इसको एक मौलवी जहेज का नाम देकर के फतवा दे रहा है कि अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया था। अगर ये इल्जाम कोई लगाता है कि रसूल ने दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने अपनी तीन तीन बेटियों के साथ नाइंसाफी की है, चार में से सिर्फ एक को जहेज दिया था। लेकिन हम मुसलमान इस चीज को समझेंगे नहीं। आइए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियां और बीवी के लिए बहुत बेहतरीन चीज की है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत पॉइंट की है, और इस बात को वालिदैन को भी समझने की जरूरत है। मैं इस आयत से कुछ मसले का इस्तेबात करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وأنتم لباس لهن، اور اے مردو تم اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بتایا ہے۔ अच्छा, लिबास का काम क्या होता है? लिबास इंसान को खूबसूरती अता करता है। हर आदमी लिबास अपनी पसंद का पहनता है, जो लगता है कि ये चीज मेरे ऊपर अच्छी लगा करती है। हम जो लिबास पहनते हैं उसको अच्छा समझकर, आप जो लिबास खरीद करके सिला करके पहना करते हैं ये सोच करके कि ये लिबास आपके ऊपर सूट करता अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से लिबास इंसान को खूबसूरती अदा करता है, इसी तरीके से शौहर और बीवी एक दूसरे की जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। ये जो लिबास का काम है, वही काम वहां पे मियां बीवी एक दूसरे के लिए करते हैं। अल्लाह ने कहा तुम एक दूसरे के लिए लिबास हो, यानी एक दूसरे की जिंदगी को खूबसूरत बना दिया करते हो। एक और काम है लिबास का। लिबास का एक काम है कि लिबास इंसान को मौसम की खराबी से बचाता है, मौसम के नुकसान से बचाता है। अभी गर्मी की तपिश कितनी ज्यादा है, आप कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, आप नीलन कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, बारीक कपड़ा जो आपको गर्मी से बचाए, उसका असर आपके ऊपर ना आने दे। आप गर्मी में सर पे तौलिया, गमछा, रुमाल वगैरह बांध करके निकलते हैं, क्यों? ताकि वो आपको धूप की तपिश और उसके गर्मी से महफूज रख सके। यानी लिबास का काम ये है कि आपको मौसम की खराबी से बचाता है। आप सर्दी में ऊनी लिबास पहनते हैं ताकि वो आपको सर्दी से और ठंडक से बचा सके। बरसात में आप रिंकोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपको बरसात के नुकसान से बचा सके। मालूम हुआ कि इंसान को लिबास मौसम की खराबी से बचाता है। अल्लाह ने फरमाया मर्द और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है, यानी एक दूसरे को समाज के नुकसान से, समाज के गुनाह से, उसकी बेहयाई और उसकी तमाम तर गंदी चीजों से बचाने का काम क्या करते हैं? हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, यानी एक दूसरे को जहां पे खूबसूरती अदा करते हो वहीं पे समाज के गुनाहों और उसकी बुराइयों से बचाने का भी काम क्या करते हो। अच्छा, ये जहेज वो चीज है जिसकी वजह से मैंने पहले भी इशारा किया है कि हमारी बहनें मुर्तद होने को तैयार हैं। कितनी लड़कियों को हम जानते हैं 30 साल की उम्र हो गई है, 32 साल की, शादी का भी कुछ पता नहीं है,
अगर उन्हें मौका मिलता है फिर वो किसी और के साथ फरार हो जाती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो फिर किस धर्म से ताल्लुक रखता है, इसलिए कि इंसान की वो हवस ऐसी होती है कि शैतान जहन पे हावी हो जाता है, फिर वो सोचने का मौका नहीं देता है। शादी में ताखीर ये हमारे समाज में फैली हुई रस्मों का नतीजा है। आप शादी करना चाहते हैं, जब तक आपके पास 4 लाख 3 लाख 5 लाख ना हो जाए जब तक आप सोच नहीं सकते। एक बेटी पैदा होती है घर में, अभी 1 महीने की नहीं हुई है, आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, बैंक अकाउंट खुला देते हैं, आप LIC और बीमा के नाम पे न जाने क्या क्या करवाते हैं ताकि 18-20-22 साल के बाद लड़की के काम आएगा। क्यों, आपको क्या करना है इन पैसों का, कोई पूरा मोहल्ला खरीदना है क्या 20 साल के बाद? नहीं, वो ये जो बच्ची पैदा हुई है उसकी शादी के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हमने बेटी को इतना बोझ बना दिया है, इतना बोझ बना दिया है कि बच्ची अभी बोलना तक नहीं जानती है, हम उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें उसकी शादी की फिक्र दामनगीर है। ये इस बात की दलील है कि हमने बेटियों को बोझ समझा है, हमने बेटियों को वो मकाम ही नहीं दिया है जो कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था और हमारे सहाबा को उस चीज की तालीम भी दी गई थी। और इसी बिना पर खुदकुशी के वाकयात आप देख लें, कितनी लड़कियां खुदकुशी करती है। एक बार 4 बहनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली, करीब घर की बेटियां थी, चारों ने खुशी खुशी सुसाइड कर लिया। एक लेटर लिखती है और लेटर में लिखा था, जब लेटर को पढ़ा गया उसमें बड़ी बेटी ने अपना जो अपनी बात दिल की रखी थी वो बात सामने आती है। वो लड़की खत के अंदर लिख रही है, हम 4 बेटियां अपने माँ बाप के लिए बोझ बन चुकी हैं, कई साल से मेरे वालिद हमारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जब भी कहीं भी रिश्ते के लिए बात करते हैं सारी बात फाइनल हो जाती है, दीनदारी में भी खूबसूरती के अंदर हमें ऐसा मालूम होता है कि ये रिश्ता हो जाएगा, लेकिन जब लेन देन की बात आया करती है, जब जहेज की बात आ जाती है, जब उधर से डिमांड शुरू हो जाता है तो मेरे वालिद के पास इतनी ताकत नहीं कि उसका पूरा डिमांड पूरा कर सके, लिहाजा वो सर झुका करके शर्मिंदा होकर के वापस आ जाया करते हैं। और ये मामला मैं अपनी नजरों से कई साल से देख रही हूँ, अभी मैं जो सबसे बड़ी बेटी हूँ उसका निकाह नहीं हो सका है गरीबी की वजह से, अभी मेरे बाप तो 3-3 बेटियां हैं और हम लोगों की वजह से हमारे वालिदैन को भी शर्मिंदा होना पड़ता है, लिहाजा हमने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद से कभी अपने वालिदैन को शर्मिंदा होने की मोहलत ना देंगे। हमें मालूम हो चुका है हम इस समाज के लिए बोझ बन चुके हैं, हमें मालूम है इस दुनिया में हमारी जिंदगी और बाकी रहे तो हमारे वालिदैन के सर का दर्द बढ़ाने के लिए काफी है। हम चारों खुशी से सुसाइड कर लेती हैं, इसमें हमारे वालिदैन की कोई खता नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आज इसी जहेज और इसी बारात की लानत की वजह से जब एक बाप अपनी बेटी की शादी नहीं दिलाता है तो कोई तो भाग जाया करती है, कोई सुसाइड कर लिया करती है, कोई गलत रास्ता फिर इख्तियार कर लिया करती है, ये सारी की सारी चीज इसी जहेज और बारात के जिम्मे में आ जाती है। और मैंने आपसे कहा था कि ये कुर्बानी का मौका है, गैर मुस्लिमों की जानिब से कुछ एतराजात इसके ऊपर होते हैं, मुख्तसर उसके ऊपर मैं रोशनी डाल देता हूं। एक शुबहा और एक एतराज जो हमारे इस ईद के ऊपर किया जाता है जिसमें हम जानवर को ज़िबा करते हैं कि ये जीव हत्या है, इसलिए कि करोड़ों जानवरों को इसमें जो है कत्ल किया जाता है। तो एक बात यह अर्ज कर दे कि जितने लोग इस चीज को जीव हत्या देकर हराम और नाजायज करार देने की कोशिश करते हैं, दुनिया के अंदर जितने धर्म मौजूद हैं, अगर उनके पास धार्मिक किताब मौजूद है, मजहबी किताब अगर उनके पास मौजूद है, तो कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं है जिसमें गोश्त खाने के बारे में तरगीब ना दिलाई गई हो, रगबत ना दिलाई गई हो, या अगर रगबत ना दिलाई गई हो तो कम से कम इजाजत तो जरूर मिलती है कि तुम गोश्त खा सकते हो, लेकिन ये बात उनको समझ में आएगी नहीं। इसलिए कि हर धर्म के अंदर परिवर्तन होता चला गया है, जितनी आसमानी किताबें आई थी, जितनी किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की उसमें यूं हेर फेर हुआ कि उसमें 10% भी बाकी नहीं बचा हुआ है। तो इस तरीके से उनके अंदर ये सारी बातें आती हैं। एक और बात है कि जिस अल्लाह ने हमें इंसानियत
और जीव हत्या क्या होती है और सफाकियत और दरिंदगी क्या होती है, इसके दरमियान हमें फर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाया है। और अल्लाह ने हमारे अंदर में सलाहियत पैदा की है कि दरिंदगी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, उसी बिना पे हम इसके दरमियान फैसला कर सकते हैं। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों को हलाल करार देता है। الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے لتركبوا منها ان میں سے بعض پر تم سواری کیا کرتے ہو ومنها تأكلون اور بعض کے تم گوشت کھایا کرتے ہو यानी अल्लाह यहाँ मकसद बता रहा है हमने चौपाई इसलिए बनाए हैं ताकि तुम बाज पर सवारी करो और बाज चीज को तुम खाया करो उनमें से। जब वही अल्लाह जिसने चौपाइयों को बनाया है, जिसने हमारे दरमियान इंसानियत और दरिंदगी के दरमियान फैसला करने और फर्क करने की सलाहियत और तमीज बख्शी उसी अल्लाह ने, वही कह रहा है बात ऐसे जानवर हमने तुम्हारे लिए बनाए जिसको तुम खा भी सकते हो। तो मामूली नुतफे के कतरे से पैदा होने वाले इंसान की क्या हकीकत है, उसकी क्या वैल्यू है कि अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम अपने ऊपर कर ले। अच्छा, किसी जानवर को ज़िबा करने का यह मतलब नहीं होता कि उसके साथ उसने सुलूक नहीं किया जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल का बाकायदा हुक्म है इन्नल्लाहा कतबल इहसान अला कुल्ली शय, अल्लाह ने एहसान हर चीज पर लिख दिया है। फइदा कतलतुम फअहसिनुल क़त्ला, जब तुम किसी को कत्ल करो तो अच्छे से कत्ल करो। वइदा ज़बहतुम फअहसिनुल ज़िबहा, और तुम जब अपने जानवर को ज़िबा किया करो तो उसमें भी एहसान का पहलू तुम्हारे सामने होना चाहिए, दरिंदगी वाला मामला नहीं आना चाहिए। वल युहिद अहदुकुम शफरतहु, जब कोई छुरी से जानवर ज़िबा करने के लिए जाए तो पहले से छुरी को तेज कर लो ताकि जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। वल युरिह ज़बीहतहु, अपने ज़बीहे को जिसको तुम ज़िबा कर रहे हो अपने जानवर को तुम आराम पहुंचाओ, उसे दरिंदगी के साथ तुम ज़िबा मत किया करो, ये हमारे शरीयत की इजाज़त है। अच्छा, एक और बात इस मामले में है कि किसी जानवर को उसके असल मसरफ में यानी खाने पीने की जगह में इस्तेमाल करने से ये कहाँ लाजिम आता है कि उसके साथ जो है वो दरिंदाना सलूक किया जाता है, सफाकियत उसके साथ की जाती है। आप इसको यूँ समझें कि औरत वही होती है लेकिन उसी औरत से गलत तौर पे जिंसी ख्वाहिशात पूरा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है और हर धर्म इसको मना करता है कि शादी से पहले तुम किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी लड़की के साथ तुम ज़िना नहीं कर सकते, लेकिन निकाह के बाद वही औरत हो वही लड़की हो आप उससे निकाह कर ले, आप उससे वही ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िबा से पहले जानवरों को खाने से मना किया है जब तक उसको ज़िबा ना कर लिया जाए, जो जानवर ज़िबा करने को होते हैं, लेकिन अगर ज़िबा कर लिया जाए तो फिर उन्हीं को खाने की हमारी शरीयत ने भी इजाज़त हमको दे रखी है। तो इससे मालूम होता है कि ये जो सारे इल्ज़ाम हैं ये सिर्फ एक ढकोसलापन है लोगों के जहन में वो बातें डालने के लिए, और इसका और भी बहुत सारे जवाब हैं जो आप लोगों को शायद मालूम हो, मैं सिर्फ इशारा आपको कर दूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के दांत की सूरत अलग अलग बनाई है। आप दरिंदे जानवर देख लें जो शिकार करके नोच फाड़ करके खाने वाले हैं, शेर है, चीता है और बिल्ली है, कुत्ता है, ये जो जानवर होते हैं जो शिकारी जानवर होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दांत सिर्फ नुकीले बनाए हैं, उनके चिपटे दांत नहीं होते वो जैसे गाय भैंस के होते हैं, उनके सारे दांत नुकीले हैं। क्यों? क्योंकि वो चीर फाड़ करके खाते हैं, उसी हिसाब से अल्लाह ने उनके पेट के हाजमे को रखा है कि ये वही चीजें हजम कर सकते हैं, वो घास फूस और साग सब्जी खाएंगे तो वो उनके लिए उतना कारगर नहीं है। और आप चौपायों पे आ जाएं, बैल है, गाय है, बकरी है, ऊंट है, ये इन सब पे जब आप बात करें तो इनके सारे दांत चिपटे होते हैं, नोकीला एक भी नहीं होता है, यानी इनकी खुराक उसी हिसाब से कि ये साग सब्जी घास फूस खा करके हजम कर सकते हैं, इनको अगर मीट खिलाया जाए या और इस तरह की चीजें दी जाए जो दरिंदे जानवर खाया करते हैं तो इनके लिए सूट नहीं करेगा। तो दांतों का फर्क है, यानी जिनके दांत नोकीले उनके लिए गोश्त
हजम करने के लिए अच्छा है, और जिनके चपटे दांत हैं उनके घास फूस उनकी गिज़ा के लिए बेहतर है। अब हम बात करते हैं अल्लाह के निज़ाम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो ज़ात जो सबसे बेहतरीन तख्लीक करने वाली है। हम इंसानों की हालत आप देखें, हमारे दांत दोनों तरीके के हैं, हमारे दांत नोकीले भी हैं, खींच करके फाड़ करके आप खाएं भी, हमारे दांत चपटे भी हैं, आप घास फूस की चीज़ें भी खा सकते हैं, आप वेज भी खा सकते हैं, आप नॉन वेज भी खा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर दोनों खाते हैं आप देखें कि आपके पेट की प्रक्रिया फिर भी सही रहती है अगर आप एक लिमिट से कोई चीज़ खाया करें। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनावट इस बात की दलील है कि उसमें किसी को अपनी जानिब से फैसला करने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही से करके रखा हुआ है। एक एतराज़ और होता है जो कि वाकई एक बचकाना एतराज़ है, उसको आपके सामने मैं रखूं। अगर वो एतराज़ ये है कि जब करोड़ों जानवरों को तुम कुर्बानी करते हो हर साल, तो इससे जानवरों की तादाद में कमी आती है और इससे इक्तिसादियत के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा नुकसान होता है, जो हमारी इक्तिसादियत है, जो माली मामला है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, और साल भर फिर गोश्त मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। देखो क्या कहते हैं, साल भर गोश्त मिलने और खाने में दिक्कत होती है, इसका मतलब ये लोग भी गोश्त खाते हैं तभी तो कहते हैं कि साल भर मिलने में दिक्कत होती है और खाने में परेशानी होती है, क्योंकि तुम करोड़ों जानवरों को उसी टाइम पर कुर्बान कर देते हो। तो इसकी मिसाल तो वैसे होगी जैसे बगुला भगत की बात आप करें, बगुले को कभी आपने भगत देखा है? नहीं होता। तो इनकी मिसाल सेम वैसे ही है कि कहते हैं कि तुम कुर्बानी मत करो, करोगे तो फिर साल भर मिलेंगे नहीं, फिर हम लोग कैसे खाएंगे। तो ये अजीब गरीब किस्म की बात होती है जो इनकी तरफ से एतराज किया जाता है, खुद नहीं समझ पा रहे कि हमारा एतराज हमारे ही खिलाफ चला जाता है। अच्छा, इसका एक जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूरत के मुताबिक चीजों को बढ़ाते रहता है, यानी जैसे जैसे आप जानवर ज़बह करते हैं, कभी आपने सुना कि शार्ट पड़ गया, ओ अब बकरे नहीं मिलेंगे, अब जिन चीज़ों की कुर्बानी होती है नहीं मिलेंगे। कितने करोड़ों जानवर आप साल में कुर्बान करते हैं, कभी सुना कि जानवर कम पड़ गए? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देता है। पहले शहरों की आबादी बहुत कम हुआ करती थी, वो उसी हिसाब से लोग उसमें रहा करते थे, लेकिन आज आप जाएं 30 साल पहले के मुकाबले में मालूम करें तो मालूम होगा कि डबल से ज़्यादा वहाँ पर लोग बढ़ चुके हैं। वही ज़मीन है, उतनी ही ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे लोग और ज़्यादा आबाद हो गए, और ज़्यादा खुशहाल हैं, और ज़्यादा कमाते खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें वो सहूलत देता है, वो उनको उनके जहन में वो चीज़ें डालता है कि उसी चीज़ में वो तरक्की करते हैं और बढ़ोतरी करते हैं, और रिहाइश के एतबार से, रहने के एतबार से उसको और ज़्यादा कुशादा और ज़्यादा उसको बढ़ा लिया करते हैं। ज़मीन फैल तो नहीं सकती है, ऊपर इसके तुम जो चाहो तरक्की कर सकते हो। इसी तरीके से आपके खेतों की पैदावार अगर देख लें 20 साल पहले आप मालूम करें तो एक बीघे खेत के अंदर बहुत मामूली सी फसल पैदा होती थी, उतनी की खा लो पी लो थोड़े से बचे बस। और आजकल क्या होता है, एक बीघे के अंदर 7-7.5 क्विंटल तक पैदा हो जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस चीज़ का इशारा किया है, अगर कुरान देखे हैरान हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि तुम इतना कम अभी पैदा कर रहे हो, इससे ज़्यादा हो सकता है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة। ये मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इंसान खेती से 700 गुना पैदा कर सकता है। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया करते हैं, अपने माल को वो खर्चा किया करते हैं, कमाकली हब्बतिन उस दाने की तरीके से उनकी मिसाल है, अम्बतत सबा सनाबिल, अगर खेत के अंदर एक दाना डालते हैं एक दाने से 7 बालियां निकल जाया करती हैं, फी कुल्ली सुम्बुलतिन 100 हब्बा, और हर बाली के अंदर 100 दाने निकल जाया करते हैं। यानी मालूम हुआ एक दाना जमीन के अंदर डालते हो उससे 700 दाने निकल जाते हैं। आप अपने यहाँ की धान की फसल को देखें, गेहूं की फसल को देखें, अभी हमारे खेती के मामले में इतनी तरक्की नहीं हुई है कि एक दाने से 700 दाने हम पैदा कर सकें।
यानी अभी साइंस को और तरक्की करना बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐलान कर दिया है, एक दाने से जमीन इतनी सलाहियत रखती है कि अगर तुम एक दाना डालो तरक्की कर ले जाओ, अगर तुम और सिस्टम अपना बढ़ा ले जाओ तो एक दाने से 700 दाने तुम पैदा कर सकते हो। और ये सारी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। तो जो एतराज है कि जानवरों में कमी आ जाती है, तो ये एतराज भी किसी काम का नहीं है। अच्छा, एक तकाबली जायजा कर लिया जाए मुख्तसरन, जो हमारी ईदें होती हैं और जो गैर मजाहिब की जो ईदें होती हैं उनके जो त्यौहार होते हैं, तो एक बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। इस्लाम के अलावा जितने भी त्यौहार, जितनी ईद की शक्ल में वो मनाते हैं, जो खुशी का मौका होता है जिसको सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें खुल्लम खुल्ला शिर्क किया जाता है। शिर्क होता है, बिदातें होती हैं, खुराफातें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के यहाँ हमारी ईद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाती है। ये बहुत बड़ा फर्क है हमारी ईद में और गैरों की ईद में। एक और फर्क बताता हूँ, एक फर्क ये है कि दूसरे मजाहिब के अंदर जब ईद होती है तो बेपर्दगी उनकी बहुत आम हो जाती है। मर्द औरत का इख्तलात, मिलना जुलना, देखना, बोसो किनार होना, आपस में नाच गाने करना, ये चीजें उनके त्योहारों में फिर आम नजर आती है। लेकिन हमारी शरीयत का हुक्म ये है कि तुम किसी को अपने त्योहार को क्या दूसरे मौकों पर भी गलत नजर उठा करके तुम्हें देखने की इजाजत नहीं है। कुरान की आयत उठाओ, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ। ऐ मेरे नबी, आप मोमिन मर्दों को यह हुक्म दे दें, वो अपनी नजरों को झुका करके रखा करें, वो अपनी नजरों को एक दूसरे के ऊपर गलत तौर पे ना उठाया करें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है एक नजर से दूसरी नजर से जो मना किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अली ला तत्तबिउ नजरतन नजरा, एक नजर अगर पड़ जाए तो दूसरी नजर किसी को मत देखा करो, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो बहुत सारे लोग इसमें क्या होशियारी करते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है, एक नजर पड़ जाए और नजर हट जाए तो अब दूसरी बार उसको नजर उठा के नहीं देखो किसी लड़की को। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है फिर एक नजर पड़ जाए उसी को हम देखा करें उस टाइम तक, अभी तो पहली ही नजर है ना, अब जब नजर हटेगी तब देखेंगे फिर दूसरी नजर मानी जाएगी। तो ऐसा करें कि एक बार देखें तो देखते रह जाओ, तो ये पहली ही नजर है, ये चालाकी नहीं चलेगी इसमें। ये पहली नजर और दूसरी नजर का मामला ये है, आप इसको समझ लें कि आपकी नजर पड़ते ही दूसरी नजर आपकी शुरू हो जाती है, जैसे आपके दिल में खोट आ गया कि अब इसको देखना है। यानी जो आपकी नजर किसी गैर महरम औरत के ऊपर पड़ी, आप फौरन नजर नीचे कर ले, ये हमारी शरीयत का हुक्म है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को भी हुक्म दिया है, वकुल लिल मुमिनाति यगज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ मेरे रसूल, आप मोमिना औरतों को भी हुक्म दे दें वो अपनी नजरों को झुका करके रखा करें। और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें, चूंकि उस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ जो पर्दा और औरतों के मकाम के ऊपर जो हमारी शरीयत ने कुछ बातें बयान की हैं। एक फर्क और भी है, जब गैर मजाहिब की ईदें आती हैं, जब उनके त्यौहार आते हैं, तो उनके यहाँ जुआ शराब ये चीज़ें बड़ी आम नजर आती हैं, लेकिन हमारी शरीयत ने हमको इससे मना किया है। इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब, जुआ और इस तरीके से थान और फाल निकालने के पासे के तीर, इन सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है। इन चीजों की हमारी शरीयत ने ना तो किसी ईद और त्योहार के मौके पे इजाजत दी है, ना किसी दूसरे मौके पे हमारी शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। आप जुए को देखें, जुए की शक्ल कैसी कैसी बदलती जा रही है। अभी जो आपने वो आईपीएल अभी देखा, आईपीएल ये सिर्फ सट्टे की चीज चल रही है बस, ये मैच के नाम पर नहीं, सिर्फ सट्टेबाजी चल रही होती है। कितने करोड़ों और अरब अरब रुपये के सट्टे लगे होते हैं एक मैच के अंदर, ये सिर्फ जुआ होता है। और जुआ किसी भी शक्ल का हो, ड्रीम इलेवन के नाम पर, माई सर्कल के नाम पर, और न जाने क्या क्या जो बड़ी बड़ी कंपनियां और एजेंसियां होती हैं वो इसको चला रही होती हैं। उसके अलग अलग अपने सिस्टम है कि तुम्हारा 30 रुपया कटाओगे तो तुम्हारा ये कैटेगरी आएगा, उतनी तो हमको इसके बारे में
कुछ जानकारी है नहीं क्योंकि कभी खेला नहीं हमने, लेकिन ये जुआ की जितनी भी शक्लें हैं इन सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहकर के हराम करार दे दिया है, इन्नमल खमरु वल मैसिर, जुआ इस्लाम के अंदर हराम है। और आगे अल्लाह ने इसके बारे में कहा रिज्सुन मिन अमलिस शैतान, ये नापाक है, गंदा काम है, ये शैतानी काम है, जुआ ये शैतानी काम है, याद रखिएगा। आप चाहे आईपीएल के अंदर सट्टा लगा लें, चाहे ताश बैठ करके खेलें, या किसी भी शक्ल का आप जुआ खेल लें, ये चीज शरीयत की नजर में सिर्फ हराम नहीं है बल्कि ये शैतानी काम है। और अगर कोई मुसलमान शैतानी काम करता है तो उसे अपना अंजाम मालूम होना चाहिए। शैतानी काम कुरान ने खुल करके इस चीज को कहा है, फिर उस आदमी को अपना अंजाम मालूम होना चाहिए, जो जिसके अमल करेगा उसी के साथ आखिरत के अंदर उसका मामला होगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार सरैया की सरजमीन में जो जिम्मेदारान हजरात ने मेहनत और कोशिश करके ये प्रोग्राम रचाया, शेख मोहतरम सलफ़ी साहब ने, इसी तरीके से हमारे दिलदार भाई ने, और बाबर भाई, शमीम साहब, और भी जिनके नाम, शेख मुजफ्फर साहब जिनके नाम मैं नहीं भी ले रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन तमाम लोगों को इनकी तमाम काबिशों का बेहतरीन बदला अता फरमा। जो कुछ इन्होंने मेहनत की है, तगद्दो की है, आपके लिए दीनी प्रोग्राम का ये इनेकाद कराया है, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को इसका बेहतर बदला दे। आप तमाम हजरात को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो आपने सुना और जो हमने कुछ कहा उस पर पहले मुझे अमल करने की और उसके बाद आप तमाम हजरात को उस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।